हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देख सकते हैं हम एसएसटी क्लास का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फिफ्थ पॉलिटिकल का, चैप्टर नंबर फिफ्थ जिसका नाम है डेमोक्रेसी। ठीक है, सो बिफोर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी वी शुड टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता देते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के बारे में। जैसे कि सबसे पहले जहाँ पे जाते हैं लोग समूह, ठीक है, लोगों को समझ करेंगे।
तो एक ग्राउंड बेसिकली सिंपल कंडक्टर से क्या बोलते हैं, फॉलिंग बोलते हैं, आप समझ गए ना, फॉलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्रेडियम, क्रेडियम का मतलब क्या होता है, क्रेडियम का मतलब होता है यहाँ पावर, क्या होता है पावर, पावर का सप्लाई, ठीक है ना। अगर हम नॉन वर्ड को अपोज करते जाते हैं तो क्या बनता है, पावर ऑफ, इसको बोलेंगे पावर ऑफ, ठीक है। बेसिकली क्या, बेसिक मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज द पावर ऑफ पब्लिक, मींस द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। और पब्लिक के अंदर बेसिकली क्या आता है, सिटीजंस आर पब्लिक, पब्लिक जनता, ठीक है, जनता के हाथ में सारा साम्राज्य होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। देखिए जी, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप हम लोगों को जानना जरूरी है कि अगर हम बात करते हैं रूलिंग सिस्टम का, इंडिया के अंदर रूलिंग सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो कितने सिस्टम से रूल किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग कितने भी रूलिंग सिस्टम चलता है, हर कंट्री का अलग अलग रूलिंग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन रूलिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर किस तरीके से रूलिंग सिस्टम किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रूलिंग सिस्टम की, तो सबसे पहले चलता था वो चलता था मोनार्शियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, मोनार्शियल सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो था वो था डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। और थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड सिस्टम जो था वो हमारा कौन सा आया, वो आया हमारा डेमोक्रेटिक रूल, जिसको हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बिफोर डिस्कसिंग दिस आई एस दोनों को जानने के लिए थोड़ा जरूरी है, ठीक है। मोनार्की सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, मोनार्की सिस्टम क्या है, आप अगर देखा होगा मोनार्की सिस्टम के अंदर बेसिकली कौन कौन करता था, इसको डिस्कस करूँ, मोनार्की सिस्टम की अगर हम बात करते हैं मोनार्की सिस्टम के अंदर बेसिकली कौन रूल करता था, किंग हुआ करता था, कौन रूल करता था, किंग हुआ करता था, क्वीन, रानी, राजा और रानी हुआ करता था, राजा हुआ करता था, रानी हुआ करती थी, ठीक है ना। इनकी जो जनरेशन आती थी, राजा रानी के बाद जो जनरेशन थी उन्होंने रूल करा, उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई तो उन्होंने रूल करा, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई तो क्या करा, उन्होंने रूल करा। इस तरीके से सिस्टम चलता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मोनार्की सिस्टम बोलते थे। और वो ऐसी फैमिली, एक ही फैमिली में लंबे समय से रूल करते हुए आते थे, पहले राजा रानी थे, जनरेशन आई, फिर उसकी जनरेशन आई, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, तो इस तरीके की एक ही फैमिली है लेकिन रूल एक ही फैमिली करते आ रही है। और इस तरीके की फैमिली को क्या बोल, क्या बोला करते थे, बोर्बन डायनेस्टी, क्या बोलते थे, बोर्बन डायनेस्टी बोलते थे। बोर्बन डायनेस्टी मतलब एक ऐसी फैमिली या एक ऐसा परिवार जो लंबे समय से क्या करता हुआ रूल करता हुआ, पहले राजा था, सपोज करो राजा के बाद राजा रानी थी, राजा रानी की डेथ होने के बाद कौन आया, अपने की जो जनरेशन है वो आई, ठीक है, बेटा आया, बेटी होती थी वो आया, उनके बाद अगली जनरेशन, इस तरीके की जनरेशन जो आती है। और मोनार्की सिस्टम के अंदर हम ऐसी फैमिली को क्या बोल करते थे, बोर्बन डायनेस्टी बोल देते, ठीक है ना, बोर्बन डायनेस्टी इसको बोल देते। दूसरा आता है हमारा डिक्टेटरशिप। अगर बेटा हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो सिंपल वर्ड में डिक्टेटरशिप का मतलब होता है ताराशाही, ठीक है ना। ताराशाही का मतलब क्या है कि जिस साम्राज्य के अंदर जो व्यक्ति ज्यादा पावरफुल होता था, ठीक है ना, वो अपना पावर का यूज करके कौन क्या करता था, डिक्टेटरशिप करता था, डिक्टेटरशिप। अच्छा देखो, डिक्टेटरशिप जो वर्ड है इसके लिए बना किस चीज है, इसके अंदर जो है डिक्टेटरशिप की कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। एक होता है जैसे सिंपल वर्ड में हम कहते हैं, एक होता है लिखना, ये तो जानते हो ना, लिखना, लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, ये बोलते हैं ना राइट, ठीक है। एक होता है लिखवाना, टीचर बोलता है या कोई बोलता है, आप जब बोलकर आप लिखते हो, ठीक है ना, तो उस समय जो बोलकर आप लिखते हो तो उस समय टीचर क्या करता है, आपको डिक्टेट करता है, क्या करता है, डिक्टेट करता है। तो डिक्टेट का मतलब क्या होता है, जो ऑर्डर दिया जा रहा है, जो कमांड दिया जा रहा है, उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप उसी चीज़ को क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। ऐसे ही डिक्टेटरशिप के अंदर जो डिक्टेटर होता था उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, नियम कानून कायदे वो करते थे, और उसी के अनुसार वो सारी की सारी चीज़ों को अपने साम्राज्य के अंदर, अपने किंगडम के अंदर या एम्पायर के अंदर उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एस्टेब्लिश कर रहा था, ठीक है ना। उसकी तरह पे चलती थी, यहाँ पे कोई भी नेशन कुछ इस तरीके का हेल्ड नहीं होता था, ठीक है, वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट को हर बार एस्टेब्लिश करता था, ठीक है ना, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल है जिसका हिटलर है, ठीक है, जर्मनी के
और थर्ड जो सिस्टम चलाया जाएगा वो हमारा वो है डेमोक्रेटिक रूल, जिसको हम इस सेक्टर में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कि डेमोक्रेटिक रूल क्यों आया, क्या इसके फायदे थे, ठीक है ना, किस तरीके से। और दूसरी बात, अगर बेटा हम मोनार्शियल सिस्टम के अंदर और थोड़ा सा बताऊँ आपको, तो आज हम लोग इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनको हम देखते हैं आज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आज सिटीजन बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं, कि आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं देश का क्या हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, ये बोलते हैं आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम सिटीजन आज बोलते हैं। लेकिन जब इंडिया के अंदर सिस्टम चलता था, मोनार्शियल सिस्टम चलता था, राजा रानी राजा महाराजाओं का जो शासन चलता था उस समय, तो उस समय हम लोग सिटीजन नहीं हुआ करते थे, क्या नहीं हुआ करते थे, सिटीजन नहीं हुआ करते थे, उस समय हम लोग क्या हुआ करते थे, सब्जेक्ट हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता था, प्रजा होता था ना, प्रजा राजा हुआ करता था, और राजा के साम्राज्य में जितने भी लोग हुआ करते थे वो राजा के क्या हुआ करते थे, सारी प्रजा हुआ करते थे, ठीक है ना। तो राजा और प्रजा उनको राजा के टाइम के दौरान हम लोग जो लोग व्यक्ति थे उनको क्या बोला करते थे, सब्जेक्ट बोला करते थे, और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता था, प्रजा हुआ करते थे, ठीक है ना, उसके साथ। लेकिन आज हम लोग क्या है, सिटीजन, ठीक है। सिटीजनशिप हमको कब मिली, जब हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी को क्या करा गया था, एस्टेब्लिश करा गया, ठीक है, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करा गया। और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में क्या मदद हुई था, नेशनलिज्म, ठीक है ना, द फीलिंग्स ऑफ पैट्रियटिज्म, द फीलिंग ऑफ डिवोटी, ठीक है ना, डिवोशन टुवर्ड्स द नेशन, इस सब तरीके की फीलिंग्स का हमारे जरूरी था। और नेशनलिज्म आया, नेशनलिज्म आने से हम लोगों को क्या, हमारे देश की नागरिकता मिली, ठीक है ना। नेशनलिज्म के आने से हम लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिली, बिकॉज मोनार्शियल सिस्टम या मोनार्शियल रूलिंग पीरियड के दौरान हम लोगों के पास हमारी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती थी, आइडेंटिटी मतलब हमारे पास हमारी खुद की पहचान नहीं हो पाती थी। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के बाद हमें हमारे पास हमारी क्या मिली, हमें पहचान मिली, ठीक है ना, हमें हमारे यहाँ का अधिकार मिले हमारे, तो हमें हमारी क्या मिली, पहचान मिली, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले, हमारी कॉमन आइडेंटिटी मिली, और जिसकी वजह से हमें हमारे देश की क्या मिली, नागरिकता मिली, दैट वी आर द सिटीजंस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो होना जरूरी है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को डेमोक्रेटिक का मीनिंग बताया, डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, कि पावर ऑफ पब्लिक। तो बेसिकली सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो बेसिकली पावर लाइज करती है, वो किसके हाथ में लाइज करती है, पब्लिक के हाथ में लाइज करती है, ठीक है, पब्लिक के हाथ में होती है पावर होती है। अब आगे हम लोग चलेंगे चैप्टर में क्या है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग तो आपको बता दिया है, लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी बेटा डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी व्हाट इज, आपसे सिंपल पूछा जाता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या होती है डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या होती है डेमोक्रेसी, सिंपल सबसे पहले जानते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इन विच रूलर इज इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बेसिकली सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, वो ये है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की वो एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर जो रूलर होता है, रूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। और ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव इज द पर्सन हु रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जो रिप्रेजेंट करने के लिए सामने आता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये सब रूलर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये जो रूलर होता है, ये किसके द्वारा इलेक्ट होता है, हमारे पीपल्स के द्वारा। अगर हम बात आती है कि बेसिकली, चलो मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको, आगे बढ़ाऊंगा
क्या है, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, दूसरा अगर हम और बात करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी की, ये तो हो गया डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, देख तो यही है, ठीक है ना। इन डेमोक्रेसी ईच सिटीजन हैव वन वोट, ठीक है, ईच सिटीजन हैज वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। ये भी सिंपल है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक नागरिक जो होगा उसकी एक वोट होगी और उस एक वोट की क्या होगी, वैल्यू होगी। देखो ना, आप लोग इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में एक ही वोट से क्या होती है, हार जीत होती है, कोई एक वोट से जीत भी जाता है, एक वोट से क्या जाता है, हार भी जाता है, हार भी जाता है, ठीक है। तो ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन है, ठीक है, ईच सिटीजन हर एक प्रत्येक व्यक्ति, ईच मतलब प्रत्येक सिटीजन, प्रत्येक नागरिक के पास अपनी खुद की क्या होती है, एक वोट होती है और उस एक वोट की भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के अंदर हर एक वोट को वैल्यू क्या कर रहता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी जो है किसके लिए है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए है, टू द पीपल किसके लिए है, फॉर द पीपल मतलब किसके लिए है, डेमोक्रेसी के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। आगे है टू द पीपल, ठीक है, किसके लिए काम करती है, बेसिकली सिंपल लोगों के लिए काम करती है। और डेमोक्रेसी जो है बाय द पीपल, डेमोक्रेसी जो एस्टेब्लिश करी जाती है वो भी किसके द्वारा करी जाती है, बाय, बाय का मतलब द्वारा, और किसके द्वारा करी जाती है, पीपल के द्वारा। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा, ऐसी सरकार है, ऐसी गवर्नमेंट है जो किसके लिए होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा फॉर्म की जाती है, लोगों के हित के लिए क्या करती है, काम करती है, ठीक है ना। ये भी हमारी एक डेफिनेशन, ठीक है, इसको, और दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दी गई थी अब्राहम लिंकन ने दी थी, किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने दी थी। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, बोर्ड में पूछ ली है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आती है डेफिनेशन, ये पूछ ली है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स राइटर्स हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपने अपने हिसाब से बहुत सारे इसके स्केल में डेफिनेशन दी है, ठीक है ना। लेकिन सिंपल है, और आगे बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो अकॉर्डिंग टू बर्न्स, ठीक है, इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी वर्ड हैज different, democracy one has different meanings and it stand for the public welfare, public welfare, democracy ने अगर simple बनाने नहीं आ रही, democracy जो word है इसके बहुत सारे क्या meanings, बहुत सारे मतलब, ठीक है ना। और जो stand करता है बेसिकली डेमोक्रेसी वर्ड जो स्टैंड करता है, उसके लिए स्टैंड करता है पब्लिक वेलफेयर के लिए करता है, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसी है और थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या है, तो ये सब हमने बात करी है डेमोक्रेसी की है, फिर डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है और डेमोक्रेसी की क्या क्या डेफिनेशन है और इसके द्वारा क्या क्या डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट मुद्दा नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरियर्स, various forms of democracy, various forms of democracy कि कौन कौन सी forms में democracy, ठीक है। अगर हम बड़ा basically democracy की बात करते हैं तो democracy की जो form बताई गई है वो four forms होती है, ठीक है।
सबसे पहले कौन से कौन पॉलिटिकल पॉलिटिकल ठीक है, दूसरी आती है सोशल फॉर्म ठीक है, थर्ड आती है इकोनॉमिकल फॉर्म और ना और आती है एथिकल फॉर्म। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फॉर्म, सोशल फॉर्म, इकोनॉमिकल फॉर्म और एथिकल फॉर्म ठीक है। अब हम इन बात करेंगे सबसे पहले इसकी पॉलिटिकल फॉर्म, पॉलिटिकल फॉर्म, सोशल फॉर्म, इकोनॉमिकल फॉर्म और एथिकल फॉर्म ठीक है। ये दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है ना। एक्सप्लेन टू फॉर्म्स ऑफ वेरियस इंडिया, एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की अलग अलग फॉर्म्स को क्या करो एक्सप्लेन करो ठीक है। तो ये फोर फॉर्म्स होती है, पॉलिटिकल फॉर्म, सोशल फॉर्म, इकोनॉमिकल फॉर्म और एथिकल फॉर्म। अब इनमें से आप जैसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन पूछी जाती है बेसिकली कि एक्सप्लेन पॉलिटिकल एंड सोशल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल और सोशल फॉर्म को आपको क्या करना है डिफाइन करना है ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे तो आप लोग उसको रीड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे और इसी करेंगे पॉलिटिकल फॉर्म की हम बात करेंगे। पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ बेसिकली डेमोक्रेसी ठीक है, ठीक है। डेमोक्रेसी को आप लोग मालूम चल गया है कि डेमोक्रेसी क्या है। अब इसके अंदर फॉर्म्स आते हैं अगर कि एक पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, एक सोशल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, एक इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और एक क्या है एथिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की ठीक है। इसको देखो पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ बेटा डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, नाम से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा ठीक है। पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं ठीक है ना, तो बेटा कहा गया है इन पास्ट टाइम, पहले के समय में ठीक है ना, इन पास्ट टाइम इट वाज नॉन एज इंडिविजुअल्स democracy but now in modern time it is not as good liberalism democracy ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है कि पहले पास करेंगे इसको इंडिविजुअल्स डेमोक्रेसी कहा जाता है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला व्यक्ति एक ही व्यक्ति ठीक है ना। मतलब कि पहले पास टाइम में पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को इस तरीके से देखा जाता था कि कोई भी एक व्यक्ति होता था वो आता था इलेक्शन कंटेस्ट करता था, इलेक्शन को जीत के वो क्या करता था बेसिकली डेमोक्रेटिक फॉर्म को फॉर्म करके गवर्नमेंट को फॉर्म करके वो रूलिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहा था, रूलिंग सिस्टम चला रहा था ठीक है ना। लेकिन आज की तारीख में हम पहले उसके जो पहले पास टाइम में इंडिविजुअल डेमोक्रेसी हुआ करती थी, जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा था ठीक है ना, और उसको क्या करता था लोगों के ऊपर एस्टेब्लिश करता था। लेकिन आज हम उसको मॉडर्न टाइम में अगर बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम में इसको क्या कहा जाता है लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी इसको कहा जाता है ठीक है। अब लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लिबरलिज्म लिबरलिस्ट वर्ड जो है